अजमेर टाइगर रिजर्व रेंज में मकोनिया बी के कंपार्टमेंट 18 में सुबह वन कर्मियों को गश्त के दौरान एक मखना हाथी का शव मिला। गश्ती दल द्वारा मामले की सूचना रेंज अधिकारी को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे रेंज अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए घटना की सूचना विभागीय अधिकारी को दी। बताया जा रहा है कि बीट इंचार्ज श्यामलाल यादव, वन संरक्षक नईम अहमद, वाचर यशपाल सिंह व मनोज कुमार रेंज में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान कंपार्टमेंट 18 में एक मखना हाथी का शव पड़ा मिला। अनुमान के मुताबिक शव 2 दिन पुराना है। वन अधिकारियों के मुताबिक हाथी के सभी अंग सुरक्षित हैं और उनकी आयु लगभग 30 वर्ष है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के कारणों का सही पता लग पाएगा। ये मकोनिया बीट है। सुबह 8 बजे हमको खबर मिली है कि एक हाथी का जो डेथ हो गया है, और ये हाथी वही है जो पिछले 7-8 दिनों से बंधे के पास में देखा जा रहा था। चलने में इसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी और ये काफ़ी कमज़ोर भी हो गया है, और इसके कान के पीछे जो है चोट लगा हुआ है। संभवतः ये आपस में जो एनिमल फाइटिंग होती है उसमें ये लड़े होंगे, और फिर ये जख्म जो है पुराना होने के कारण सेप्टिसीमिया मतलब हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ हुआ है। बाकी जो पीएम करने के लिए डॉक्टर का पैनल बनाया गया है वो लोग अपना रिपोर्ट देंगे, और जो सैंपल आएगा दिया भेजा जाएगा, और जो काज अपडेट होगा उसके बाद जो है अवगत रहेगा।